दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसे गेम्स खेले हैं जिनको खेलने के बाद आपको लगा हो कि इस गेम की एंडिंग कब होगी और आप वो खेलते ही रहते होंगे, लेकिन अंत नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि आज कोई भी ऐसा गेम नहीं है जिसके बारे में अगली लेवल का यूट्यूब पे वीडियो ना हो, लेकिन पहले लोगों को वो खुद ही पार करनी होती थी जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और हार्ड होती थी और लोग गुस्सा भी हो जाते थे। आज मैं ऐसी 5 गेम्स के बारे में आपको बताऊंगा जिनकी एंडिंग आप लोगों ने नहीं सोची होगी और उनकी एंडिंग बड़ी मज़ेदार तरीके से हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें 5 गेम्स की एंडिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है फ्लैपी बर्ड। आप लोगों ने इस गेम को खेला जरूर होगा और खेला नहीं है तो इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब इस गेम को बनाया गया था तो इसको बनाने वाले डेवलपर ने मात्र 5-7 दिन में गेम को रेडी कर दिया था और लॉन्च भी कर दिया था, और शुरू से ही लोगों की दिलचस्पी इस गेम के प्रति बहुत ज़्यादा रही है, और यही कारण है कि इसके एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पर मिला के 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और लोग इसकी एंडिंग देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और आज मैं आपको इसी एक्साइटमेंट से दूर कराने वाला हूं। और दोस्तों, ये बात आप न्यूज़ में भी देख सकते हो कि कब होगी इसकी एंडिंग। मैं आपको बता दूं कि एक बार एक बंदा इस गेम को खेल रहा था तो वो 999 भी लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। जब वो 999 भी पॉइंट पार कर देता है तो उसके बाद जब 1000वें पॉइंट के लिए वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे मैरियो आ जाता है और बॉल्स फेंकने शुरू कर देता है, लेकिन वो बंदा उन बॉल्स को भी चकमा दे देता है, लेकिन उसके बाद मैरियो उन सभी बॉल्स को फेंक के उस बर्ड को मार के आगे भाग जाता है और गेम खत्म हो जाता है। नंबर 2 पर आता है पैकमैन। दोस्तों, जब से पैकमैन रिलीज हुआ था तभी से लोगों में इसका बहुत ज्यादा क्रेज था और लोग इसको दिन रात खेलते रहते थे, लेकिन पहले ये एक खास प्रकार की मशीन में खेला जाता था जो सिर्फ इसी गेम के लिए खेलने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब ये पॉपुलर हुआ तो अब आप लोग इसको अपने मोबाइल या फिर एंड्रॉयड में भी खेल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, इसमें होता कुछ ऐसा है, उसमें कुछ भूत होते हैं, उनको आपको चकमा देके सारी बॉल्स को खाना होता है और आप अगले लेवल पे आ जाते हो। लेकिन दोस्तों, जो पैकमैन के असली फैन है वो कहते हैं कि 21वीं लेवल तक तो ये गेम बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसके बाद 22वीं लेवल से ये गेम फास्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है खेलने के लिए और लोग वहीं पर आउट हो जाते हैं, और 256 लेवल तक इसको खेला जा सकता है। ये बात बिली माइकल, जो कि इस गेम के एक्सपर्ट बताए जाते हैं, उन्होंने प्रूव की। पहले लोग 255 तक सोचते थे, लेकिन उन्होंने वो लेवल पार करके 256वीं लेवल पर पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पर प्रोग्रामिंग में कुछ डिफेक्ट है। और आप लोग उस डिफेक्ट को देखिए कि आधी स्क्रीन के ऊपर तो वहां पर लाइनें थी और आधी स्क्रीन के ऊपर नंबर बने हुए थे, और उस बंदे ने उस गेम को भी पार कर लिया था। उसके बाद लेवल 1 शुरू हुआ, लेकिन वो उससे भी बहुत तेज था और उन्होंने उस गेम को भी चकमा दे दिया और वहीं पर उनका गेम ख़त्म हुआ और लास्ट में ये लिखा आ गया गेम ओवर, और वहीं पे वो गेम ख़त्म हुआ और उसके बाद लेवल 1 से दोबारा शुरू हो गया था। अब दोस्तों, 3रे नंबर पर गेम आता है सबवे सर्फर। आप लोगों ने ये गेम तो पक्का खेला होगा, और अगर आप लोगों ने खेला है तो आपने ये देखा होगा कि आप इस गेम को बस खेलते ही जाते हो, लेकिन वो बंदा जो भाग रहा होता है वो कभी नहीं मरता। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बता दूँ, जब ये गेम रिलीज हुआ था, पहले मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, तो उसके बाद ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसका कॉपी गेम टेम्पल रन भी लॉन्च किया गया जो कि इसको बिल्कुल टक्कर दे रहा था। और इन दोनों गेम्स की एंडिंग आपको मैं एक साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब ये दोनों गेम लॉन्च हुए थे तो उनकी कोई एंडिंग नहीं थी और ना ही आज कोई एंडिंग है, क्योंकि जिन लोगों ने इस गेम को डेवलप किया हुआ है, जो कंपनीज हैं, उनका मानना ये है कि अगर आप इस गेम को खेलते जाओगे तो उन्होंने ऐसी प्रोग्रामिंग कोड्स इसमें सिलेक्ट की हुई है कि आप बस उस गेम को खेलते ही जाओगे और आपकी जो डिवाइस है उसमें अनलिमिटेड डाटा स्टोरेज होता रहेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तक हाईएस्ट 1 TB वाला मोबाइल आया है, और 1 TB मोबाइल वाले में अगर आप खेलते रहोगे तो भी ये गेम कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अपने आप आगे ही यहाँ पे ट्रेन आ जाएंगी और भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते रहेंगे और ये गेम ख़त्म नहीं होगा। यही है इसकी एंडिंग, मतलब एंडिंग तो नहीं है।
अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ऐसी ही फैक्ट वीडियोस डेली देखने के लिए। तो दोस्तों अब अगले नंबर पर जो गेम आता है उस गेम का नाम है डक हंट। और दोस्तों ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था पहले। और इसमें क्या होता है कि एक कुत्ता होता है जो झाड़ियों के पीछे चला जाता है और सारी डक्स को उड़ा देता है। उसके बाद आपको उनको एक नकली गन से शॉट करना होता है बाहर से। और आप लोग ये देखिए कैसे ये बंदा इनको शॉट्स कर रहा है, अगर आप लोगों ने इस गेम को नहीं देखा है तो। लेकिन दोस्तों ये जब इनको मार नहीं पाता है तो कुत्ता ऊपर आके हंसने लग जाता है और वहीं पे गेम ओवर हो जाता है। यही इस गेम का एक लेवल है। लेकिन दोस्तों इसका फाइनल लेवल कहाँ पे आता है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोग इस गेम को लगातार खेलते रहते हो तो आपका इसके प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है और आप लोग इसको खेलते ही जाते हो और आप सोचते हो कि कब लेवल ख़त्म होगा। तो मैं आपको बता दूँ, जब आपका लेवल 99 पार हो जाता है उसके बाद लेवल 0 आता है, उसमें कुत्ता फिर झाड़ियों के पीछे जाता है। लेकिन अब आसमान से डक की बरसात होती है और आप मुश्किल से एक डक को मार पाते हो और वहीं पे सारी डक उड़ जाती हैं और गेम खत्म हो जाता है। ये था इस गेम का एंडिंग। अब पांचवें नंबर पर आता है टीरेक्स गेम। दोस्तों टीरेक्स गेम को सिर्फ वही लोग जानते हैं जो लोग अपने मोबाइल या फिर पीसी में क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। और ये गेम मैंने आपको जितने भी गेम्स बताए हैं उनमें से सबसे अलग प्रकार का गेम है, जो कि क्रोम का ऑफिशियल गेम है। जब भी आपका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है या इंटरनेट चला जाता है तब इस गेम की शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे एक डायनासोर आता है और जब आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे या फिर अपने कीबोर्ड की स्पेस बटन को दबाओगे वहीं से वो डायनासोर भागना स्टार्ट हो जाएगा और वहीं से टीरेक्स गेम स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों ये बिल्कुल फ्लैपी बर्ड की तरह ही कॉपी गेम है। इस गेम को खेलने के लिए आपको बस टैप करना होता है और ये अपने आप आगे जाता रहेगा और आपका स्कोर बनता रहेगा। और गूगल वालों का मानना ये है कि उन्होंने ये गेम इसलिए बनाया ताकि उनके कस्टमर्स का बिना इंटरनेट के टाइम पास हो सके। और साल 2018 में इस गेम ने टाइम पास 270 मिलियन बार कराया, मतलब 270 मिलियन बार खेला गया ये गेम। इसके लिए गूगल को अलग से टीम अरेंज भी करनी पड़ गई थी। और दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको इस गेम की एंडिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गेम की एंडिंग बहुत ज़्यादा साल बाद होगी, क्योंकि तो इस गेम के कोड्स को इस प्रकार से बनाया गया है कि आप गेम खेलते रहोगे और आपके सामने ऑब्स्टेकल पे ऑब्स्टेकल आते रहेंगे और गेम ओवर नहीं होगा। और इसका गेम ओवर 17 मिलियन साल के बाद होगा, मतलब ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल। और दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में वो 5 गेम्स के बारे में बताई है जिनकी एंडिंग्स आपने पहले नहीं देखी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।